हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ करने वाले इस टाइप की एडिटिंग, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से एडिट हुई है। इसमें कुछ ऑनलाइन एडिटिंग है, कुछ ऑफलाइन है, तो पूरी वीडियो को देख लें अगर पूरी ट्यूटोरियल समझनी है। तो चलो सीधा चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ऑन कर लेना है, चाहे वो कोई भी ब्राउज़र हो, और यहाँ पर सर्च करना है आपको बीजी रिमूव। तो गाइस, इसमें जो साइट खुल के आ जाएंगी, इसमें से दूसरे साइट पे जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज का, इस पर टैप करना है। आप यहाँ से उस पिक को इंपोर्ट कर लीजिएगा जिसका आप बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं। गाइस, हमारा अपलोड हो रहा है, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट कर लेना है। प्रोसेसिंग हो रहा है गाइस, बस होने ही वाला है, एक कुछ सेकंड का और वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी तरीके से हमारे फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब यहाँ से आपको ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, उस पर टैप करके फोटो को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, जब आपको अपने बैकग्राउंड को ले लेना है, इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे सेंड करना है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। गाइस, बैकग्राउंड आ चुका है हमारा, फिर यहाँ पे टूल्स पे टैप करना है इंपोर्ट इमेज। आपको वो इमेज इम्पोर्ट कर लेना गाइस जो आपने बैकग्राउंड इरेज किया था, कुछ यहाँ से डन कर देना है। फिर टूल्स पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है, और अपने पिक को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। फिर यहाँ से डन करना है गाइस आपको। देख सकते हो हमारा फोटो का बैकग्राउंड कितने अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। ब्रश पे जाना है, स्मूथ ब्रश लेंगे, सेटिंग देख सकते हो गाइस, अपनी पूरी फोटो को स्मूथ कर लेना है गाइस। यहाँ से पूरी फोटो को स्मूथ कर लेना गाइस, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो रहा है। गाइस, हम स्मूथ कर लेते हैं, आपको भी अच्छी तरीके से कर लेना है। देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो ऑलमोस्ट हो चुका है स्मूथ, आपको अच्छी तरीके से करना है। आपको हैंड के ऊपर भी ड्रॉ कर लेना इस टाइप से। हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है गाइस, अब आपको इसे शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक, हमारा इंपोर्ट हो चुका है गाइस। अब आपको सीधे सबसे पहले लाइट पे चले जाना है, और इसका एक्सप्लोर बढ़ा देना है गाइस, 20 रखना है, कॉन्स्ट्रेट्स को घटाना है, हाईलाइट इंक्रीज कर देना है लगभग 20, शेडो भी, और ब्लैक्स को बढ़ा के वाइट्स को घटा देना है गाइस। अब आपको कलर पे चले जाना है, मिक्स पे, रेड वाले को छोड़ देना पहले, इस पर आना है, इसकी सिचुएशन को माइनस, और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना है। और आप चाहें तो ह्यू को माइनस भी कर सकते हैं गाइस, इससे आपके फेस पे रेड टोन आएगी। येलो में आके सिचुएशन हल्की सी माइनस कर लेनी है, और ल्यूमिनेंस इंक्रीज कर लेनी है, और ग्रीन का सिचुएशन इंक्रीज कर लेना है। कलर मिक्स में सिर्फ आपको इतना करना है, डन करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे आ जाना है, टेक्स्चर को इंक्रीज करना है, क्लैरिटी को इंक्रीज करना है, विंटेज को हल्का सा डाउन कर देना है। आपको इस वाले टूल पे आके थोड़ा थोड़ा सबको इंक्रीज कर लेना है, और नीचे वाले को 100 कर देना है, फिर इस वाले टूल्स पे आके दोनों को ऑन कर लेना है। अब यहाँ से शेयर करना है आपको अपनी पिक को गाइस स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। देख सकते हो गाइस, हम लोग इसमें स्टूडियो में आ चुके हैं। तो उस पर आ जाना है, आपको सबसे पहले अपने फेस पे रख के
ब्राइटनेस हल्का सा इंक्रीज कर लेना है इस टाइप से, फिर से ऐड करना है यहाँ से हैंड पे लेना है, हैंड का ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना है, फिर आपको डन कर देना है गाइस। देख सकते हो हमारे फेस पे कितनी लाइट आ चुकी है। फिर आपको फोटो को जूम कर लेना है, फिर आपको टूल्स पे जाना है, सिलेक्ट टूल पे जाना है, लिप पे रख के इसके साइज को छोटा कर लेना है गाइस, फिर आपको इसके सिचुएशन को बढ़ा देना है, डन कर देना है। यहाँ से व्यू एडिट डिटेल्स में जाना है, सेलेक्ट टूल पे टैप करके ब्रश ले लेना है और अपने लिप पे ड्रॉ कर लेना है गाइस इस टाइप से। गाइस हमारा लिप पे ड्रॉ हो चुका है, हमारा फोटो एडिट हो चुका है गाइस, कितनी अच्छी तरीके से देख सकते हो आप लोग।